ये हमारी शान है। वाह देखो ये हमारी काबिलियत है। देखो अब तो लोग जैसे जैसे लोगों का पैसा आ गया ना जी, लोग ये चीज भूल गए हैं। जी जी जी, ये छोटी सी बात है। देखो हम ये डिस्पोजर है, ये बच्चा देखे खाने हमारे पास आया ना जी, ये पक्का यूट्यूब देखा होगा। वाह देखो मैं अभी बोल दिया आपको जी। देखो मैंने ये उनके पेरेंट्स है जी, ये उनके बेटा है, फला पत्थर होती है, फला का पत्थर सर। ये ऐसी चीज है ना जी, इससे आप कोई भी काम करोगे सुचा है। वाह हर काम सुचा है इसका। वाह वाह वाह, ये देखो ये चावल आ गए, ये ढूंढ आ गए। देखो देखो प्यार से स्टूडेंट आया हमारे पास चावल खाने। ये देखो सर चावल है, चाय बिल्कुल वाइट है। हाँ जी सर, चावल बासमती चावल है जी। ये देखो राजमा गर्मा गर्म सर देखो। और ये देखो भाई साहब राकेश पाजी के जम्मू वाले राजमा। ओए होए होए होए, ये गर्म गर्म राजमा आ गया सर। देखो जी जी, ये देखो गरम राजमा, ये देखो सर गरम एक पनीर के पीस डालेंगे। देखो सर अब आया जी पनीर का पीस, और जम्मू में ना पनीर के पीस को एक डेलिकेसी माना जाता है, ऐसे फ्राई करके पानी में भिगो के रखते हैं। यार जितना मर्जी महंगा होगा, हाँ ये छोटा भाई राकेश के पास 100 रुपया 150 रुपए का जो भी होगा ना जी, ये मैं सिद्धांत भैया को बोल रहा था, लक्ष्मी भैया बोल रहा था, इस रेडी पे मिलेगा। वाह ये देखो, ये आ गई हमारी अनारदाने की चटनी। ये आ गई जी अनारदाने की चटनी सर, इसमें थोड़ा सा मसाला आ गया, थोड़ा सा मसाला आ गया जी। ग्रीन चिली आ गई सर, ग्रीन चिली। ये देखो ये मूंदी वाला मसाला आ गया, मिर्ची वाला जी। ये देखो कोई बच्चा खाना चाहे जी, ये देखो सर स्वाद की चिली। ठीक है सर, सर ये कितने की प्लेट है सर? 60 सर, 60 रुपीज की प्लेट है जी राकेश भैया की जुड़ने के साथ। ये एकदम शौकीन तरीके से बनाई हुई है भाई, राजमा है, पनीर है, चटनियां है, प्याज है, चावल है, मसाला है, ऊपर से ये रोगन डाला हुआ है। तो ना मैं कौन सा भाई, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका अपना हरि। और भाई साहब ये जो आपने अभी देखा है ना, ये तो अभी सिर्फ इंट्रो था, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बहुत जबरदस्त वीडियो आज राकेश पाजी जो है बड़े ही जबरदस्त वेंडर है, यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बनाते हैं, आपको सब दिखाते हैं, सब बताते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरे साथ, आज बहुत मजा आने वाला है। राकेश भैया क्या हाल चाल है आपके? वेलकम है हरि भैया, आपका सबसे बड़ा वेलकम आपका। थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखो 7-2 साल मेरे पास सबसे बड़ा आपका वेलकम है। वाह जी वाह, जो हमें आपने मौका दिया। अरे किस बात का दिया, जैसे आप मेरे पास मिलने आए, मुझे बहुत खुशी हुई है राकेश भाई। देखो शुक्रिया, देखो सर जी, एक सिद्धांत भैया का शुक्रिया जी, एक लक्ष्य भैया आपके साथ आए हैं जी, इनका शुक्रिया। वाह इतना प्यार से, मैं तो कल भी मेरे पास आए ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। राकेश भैया आपने हमें मौका दिया था, हमने आपको नहीं, नहीं, नहीं उस दिन नहीं। देखो दुकान तो आपकी चल रही है, नहीं, नहीं, आपने हमें बुलाया, हमें बताया कि ये सब है, और हमें अपने बारे में इतना कुछ आपने बताया, इतना कुछ सिखाया, तो थैंक यू सो मच, आपने आज भी टाइम दिया। मैं तो देखो उस दिन देखो सिद्धांत भैया मेरे पास, दोनों भैया थे और आए थे, वीडियो बनाए थे ना मेरी। जी जी जी, उससे बड़े हरि भैया जी आए हैं। अरे मैं आपको जानता नहीं था जी, शुक्रिया। क्यों मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं? अरे सर देखो पढ़ा लिखा वो तो बात पता क्या सर होती है, जैसे बंदा को यूट्यूब आगे चलाए, जैसे मैं आपसे मिला हूँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा क्या लगा, देखो आपसे कुछ सीखा मैंने। अरे सर ये आपका बड़प्पन है सर। नहीं क्या बात है सर, देखो आपका जो आपके अंदर जो टैलेंट है ना जी, वो बहुत आगे जाएगा। अरे सर थैंक यू, ये मैं आज भी कह रहा हूँ, ये सर आपकी दुआएं मैं रख लेता हूँ, और जो आपका प्यार है वो मैं अपने पास एकदम अजीज करके रख लेता हूँ। थैंक यू सो मच, आपके साथ जितने भी जुड़े हैं ना जी, सब काबिलियत है सर। ये हमारे परिवार का जो हमारा YouTube पे परिवार है उनका एक बहुत बड़ा थैंक यू है कि उन्होंने हमें ऐसा बनाया। ये भी बहुत अपने में बड़ी मेहनत करते हैं सर, हमारे डुग्गर ब्लॉग्स पाजी और हमारे फूड पंडित पाजी उधर ही खड़े हैं सर। देखो ये जो भाई है ना भाई, ये हीरे हैं, हीरे ये हीरे बंदे हैं सारे। राकेश पाजी मुझे एक चीज बताओ, जो नई वाली ऑडियंस है ना हमारी, उनको बताओ कि आप क्या करते हो, क्या क्या लगाते हो, जरा अपने बारे में बताओ। देखो जिनको छोटा सा काम है मेरा जी, देखो छोटा सा काम क्या, दाल फुल्का बहुत अच्छा चलता है। वाह वाह, उस मालिक की कृपा है। वाह हम शुक्र करते हैं उस मालिक का जी, जिसने हमें एक बंदा बनाया। वाह नहीं नहीं बड़ी बात, देखो हमारे में इतनी काबिलियत नहीं है। अरे जितना हम काम करते हैं जी, हम तो शुक्र करते हैं इतनी प्यार से, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके हर बार हमारा वेलकम करता है, बड़ा बड़े प्यार से बोलते हैं जी क्या हाल है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है सर जी, इससे बड़ी बात क्या है बोलो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शाम को भूख लगती है जिनको, या कोई हॉस्टल में रहता है, स्कूल में रहता है, या किसी के घर पे मम्मा जैसे नान के गए होते हैं, पेके गए होते हैं। हमारी कोशिश पता क्या सर जी, हमारे पास छोटा बड़ा गाय एक लेवल खाने आए, बिल्कुल ये नहीं कहना ये बड़ी गाड़ी वाला है, ये साफ जी है। नहीं नहीं नहीं, हमारे छोटा बड़ा वेलकम उसका है। वाह देखो पैसे एक लेवल दे रहा है, हमारी तो सलाम उसको है सर जी, जो हमारे पास खाने आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जो को 4 किलो 5 किलो हमारे पास स्पेशल मन चलो यार, केबीए का चावल समोसे खाने जाते हैं जी, 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 जी। हमें पता कितना अच्छा लगता है यार, क्या बात है यार, हमने अगर से टिफिन लाया नहीं, क्यों हमने के पी के पास खाना था। वा, 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 यार हमारे जिन में सोचो मेरा हमारे काबिल क्या है जो हमारे पास खाने आते हैं। राकेश भैया आपकी यही काबिलियत है जो अभी आप दिखा रहे हैं, ये जो लोग हैं ना जो अभी भी देख रहे हैं उनको पता है आपकी काबिलियत और आपके बारे में पता है। राकेश जी को जम्मू का शाहरुख खान या जम्मू का अनिल कपूर कहते हैं,
क्योंकि भाई राकेश जी जो है ना हमारे, जितने साल बीतते जाते हैं राकेश जी जवान होते जाते हैं, एनर्जी ऐसी कायम है। ये तो मैं शुक्र आपका प्यार है बड़ा जो हमें मौका दिया आपने, और ये प्यार सर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही रहेगा। राकेश जी ना एक तो राजमा चावल बनाते हैं बहुत ही जबरदस्त, एक डिप कुलचा बनाते हैं, तो अब आपको ना डिप कुलचा बनवा के दिखाते हैं। ये देखो पत्तल वही है, तलाक की पत्तल है जी, पलाक की। ये देखो सर एक कुलचा कटिंग करके इसलिए देंगे चम्मच आराम से आएगा, देखो वाह 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 वाह। बाकी लोग साथ देते हैं, हर बंदे का अपना तरीका काम करने का, जी जी जी। हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है, जबरदस्त है। बस ये देखो जी, ये आ गया जी कुलचा, ये देखो सर छोले आ गए जी, ये देखो जी गर्मा गर्म छोले, ये आ गए जी गर्मा गर्म छोले। अब किसी की चॉइस हो वो थोड़े से राजमा ले सकते हैं। अरे वाह, ये देखो बड़े भाई ये थोड़े से राजमा, ये आ गए जी राजमा, ठीक है सर। और ये ना पत्तल सॉरी उसके परात के अंदर बनाए हुए छोले हैं, छोले हैं सर। पनीर, पनीर, ओ भाई पनीर का साइज देखो। ये सर प्याज, ये ऊपर से प्याज, अनारदाने की चटनी सर, अनारदाने की चटनी धुनी लगी हुई है सर। हाँ जी सर, ये धुनी लगी हुई चटनी है जी अनारदाने वाली। थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा मसाला, थोड़ी सी ग्रीन, थोड़ी सी ग्रीन चिली, आपको चम्मच मिलेगा सर ये साथ में चम्मच। और भाई साहब ये है कुलचे की मिर्ची वाली बूंदी वाली मसाला आ गया, रोगन भाई ये देखो, ये देखो ये नैपकिन देंगे गा को, जबरदस्त जबरदस्त कंपोज ना हो मरवा खाने के लिए। ये देखो सर ये कितने की प्लेट है सर, 60, ये भी 60 की है, 60 सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया प्लेट्स हैं सर। मैं रेट क्यों नहीं बताता, मेरी बात गुस्सा नहीं माना जी। कल एक कस्टमर बोल रहा था यार जो पहले दली कुलचा था 50 रुपए कलाड़ी कुलचा था, जी जी जी। मैंने बोला था पहले कलाड़ी था जी 300 रुपए किलो जी, 360 जी, 420 रुपए किलो हो गई है जी जी जी। सिलेंडर हो गया 2500 रुपए का, देखो मैं बोला हमारा काम है हमने लेना है जी। देखता है जी जैसे महंगाई बढ़ेगी जी, देखो उससे लेवल हमें घर से। मैं अपने परिवार वालों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई आज की जो डेट है ना, आज की डेट में ये प्राइस इतना है, 3 महीने बाद जब आप आएंगे तो हो सकता है प्राइस बढ़ा हुआ हो, 2-4-5 रुपए ज्यादा है। महंगाई बढ़ रही है यार, हम सबके लिए महंगाई बढ़ रही है। तो भाई देखो आप जब सवाल करते हो कि भाई 5-10 रुपए बढ़ गया, तो भाई राकेश भाई ने भी अपना देखो घर चलाना है, घर चलाना है। इसी रोटी को हमें खिला के राकेश भाई ने अपनी रोटी खानी है यार, शुक्र करते हैं मालिक का। अरे मालिक ऐसे हाथ बना के रखे, बंदे का हाथ ही चाहिए हमें, जी जी जी। हमें उस मालिक का चाहिए, माता रानी जिसको मानते हैं। हमें एक बात का दुख पड़ा जी, एक हमारे जो मम्मी डैडी ने रहे जी, वो देखते आज देखो हमारा बच्चा देखो यार, इधर पढ़े लिखे तो हम भी नहीं, हम पास पढ़े लिखे नहीं जी, वो देखते यार चलो देखते यार देखो हमारा बेटा यार आज बेटा उनको किसी बड़ी प्यार से अरकेजी करके बुला रहा है कोई जी। सर आपके जो माँ बाप है ना, वो आपकी नजरों से आज देख रहे हैं, देखो आपको आपको उन्होंने जन्म दिया ना, बिल्कुल आपकी नजरों से वो देख रहे हैं, आपके कानों से वो सुन रहे हैं, है आपकी जबान से वही बोल रहे हैं सर। ये आपके माँ बाप की दी हुई जो शिक्षा है ना, जो शिक्षा है, हम तो सर बात एक है, हम शुक्रिया करते हैं माँ बाप का जी, जिसने हमें एक रोजगार दिया, वाह हम उनका दिया खा रहे हैं, वाह। देखो नाम उनका जी, अगर बंदा कह रहा है राकेश का नाम चल रहा है, मैं नाम राकेश का चल रहा है, हाँ। नाम मालिक का, वाह। बंदे का नाम चला कभी नहीं चला सर, वाह वाह। मालिक देते टाइम लेता, लेते टाइम नहीं लगाता जी जी जी। हम तो मालिक को कहते हैं हमारे हमरे नजर बना के रखे जी, बड़ी बात कोई नहीं। अरे ऐसे दाल फूका चेहरा सबका चले, हमारे छोड़ो जितने मेरे भाई यहाँ काम करते हैं, जहाँ कोई काम करने आते हैं, सबको मेहनत मिले। राकेश भैया आप जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं, और आपका नाम जिंदाबाद ही रहेगा आने वाली ना पीढ़ियों पीढ़ियों तक। कुलचों को ऐसे डिप करके रखा जाता है जी, और इसको ना फिर थोड़ी देर बाद भैया जो है उनको प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद फिर इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया जाएगा। डिप कुलचा बड़ा ही जबरदस्त लगता है यार पाजी का। ये पापड़ के पानी लगाते हो, ये देखो जी पनीर आ गया, ए छोले आ गए, ये देखो सर ये आ गए जी छोले, छोले से मल्टीप्लाई कर दिए सर हमने, ठीक है छोले भी मल्टीप्लाई हो गए, और भाई साहब कुलचे मल्टीप्लाई हो गए, भाई साहब यहाँ पे सारा कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखो प्लस माइनस नहीं हो रहा, सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। आपसे सीखा मैंने, मेरी बात समझ नहीं है, देखो आप मेरे पास आए, आपकी मैं वीडियो देखी भैया, देखो एक महीने बाद मेरी वीडियो डाली पहले जी, मैं देखा इसमें काबिलियत क्या थी, मैं देखा यार हरी भैया ने बहुत प्यार किया, सोच के समझ के लिखा है बंदा क्या था क्या था क्या नहीं था। तो ये लग रही है जी भटूरे की प्लेट, भाई साहब सबसे पहले छोले आ गए, ये देखो ये आ गया जी छोले, और एक आलू पीस डालेंगे इसके अंदर, ये आलू का पीस थाली नीचे प्लेट लगाएंगे, ये आ गई जी प्लेट, प्याज प्याज तो लाज भी मिलेगा, प्याज के बिना बात नहीं बनेगी यार, थोड़ी चटनी आ गई, ये आ गई जी चटनी, चम्मच तो साथ मिलेगा मिलेगा, चम्मच तो भाई साहब आवश्यक है, देखो सर चम्मच आवश्यक, चम्मच आवश्यक है, और ये ऊपर से तरी पनीर आएगा, ये गा खाना चाहे तो ये देखो, ओए होए होए होए, ये आ गया बूंदी वाला मसाला ही, ये ऊपर से बूंदी वाला मसाला जबरदस्त, थोड़ा सा मसाला, ये दूसरा मसाला चाट मसाला एक तरह का, हरी मिर्ची, ये लो सर ये आ गया, ओए होए 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 सर, मुंह में पानी आ रहा है सर, देखो सर ये भटूरे आ गए, अब ये आएंगे जी भटूरे गर्मा गर्म, ये टिश्यू पेपर के ऊपर ऑयल इसके साथ लग गया, भटूरे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है यार,
अचार भी अच्छा। ये देखो वाह, ये ऊपर से आ गया जी अचार। ये देखो जी, ये है जी आपकी छोले भटूरे की प्लेट। पाजी कितने की प्लेट है ये? सर 70 पनीर डाल के, 70 रुपीस की। हाँ जी, तो ये 70 रुपीस की प्लेट है जी पनीर डाल के। राजमा खाओगे आप? आप राजमा खाओगे? खाओगे राजमा? खाओगे राजमा? खाओगे राजमा? खाओगे? शर्मा गई, शर्मा गए। राजमा खाओगे आप? राजमा खाओगे? हाँ। कुलचा खाओगे? कुलचा खाओगे? कुलचा बोलो। राजमा खाओगे? कुलचा खाओगे? राजमा खाओगे आप? राजमा खाओगे? खाओगे? वो लोग पहले क्या सोते हैं जी, या जो भी आता है केस के पास आता है, यार मेरे में इतनी काबिलियत नहीं है, अरे अरे अरे। कोई मेरे से पैसे नहीं लेते, जो खाते हैं वो 5-5 पैसे दे जाते हैं मुझे। वा, 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 वा। वो कहते हैं किसी का ऐसा खाने, वो मेहनत कर रहे हैं। हाँ। देखो जैसे हम मेहनत कर, वो भी मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, जो कितनी दूर से मेरे पास आ रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या है? क्या बात है? छोले समोसे कहीं भी खा लो आप जी, बाकी हमारे जैसे छोले समोसे खाने का मजा कहीं नहीं आएगा। आप देखो मेरे, देखो जी, ये पता लगे जी, समोसे का साइज देखो सर, ये देखो एक, ये एक। हाँ जी, ऐसे देखो कितने बड़े बड़े समोसे हैं, ये देखो। और ये भाई साहब समोसों को अच्छे से क्रश करके, ये देखो सर छोले गर्मा गर्म छोले आ गए हमारे, ये देखो। ओहो, ये गर्मा गर्म छोले आ गए जी, इसमें थोड़ा बूंदी वाला मसाला डालेंगे हल्का सा, ये देखो जी। ठीक है सर, वाह कोई गल कोई गल, ये सर देखो जी, ये ऊपर से आ गया जी प्याज, कोई गल कोई गल। ये चटनी आ गई सर, ये आ गई चटनियाँ, ये सर एक चम्मच आ गया, ये आ गया जी चम्मच। और भाई साहब ये समोसे छोले हैं पत्तल वाले, भाई क्या बात है, क्या बात है भाई। ये कितने की है सर? सर 50, ये 50 रुपीज की प्लेट है। और अगर आपको ये खानी है तो भाई साहब कहाँ आना है? राकेश की रेडी है छोटी, लास्ट मोर सिग्नल है, सेकंड रेडी है सर। बहुत बढ़िया सर, राकेश जी की रेडी कहते हैं छोटी है, बट नाम इतना बड़ा है, क्या बात है, कि पूरा जम्मू समा जाएगा। तो ये है जी आज का हमारा स्वाद वटांदरा। भाई साहब इसमें राजमा है, छोले हैं, न्यूट्री है, पनीर है, प्याज है, चटनी है, रोगन है, आलू है, हरी मिर्ची है, टमाटर है, और भाई साहब ये पत्ता है। आई कांट वेट टू ट्राई इट। मैं ना कुलचा तो उठाऊंगा ही उठाऊंगा, ये साथ में ना मुझे न्यूट्री चाहिए भाई। न्यूट्री इधर थी, मैंने पहचान लिया है, ये आ गई जी न्यूट्री, ये इधर से आ गया जी पनीर का पीस, ये आ गई जी बड़ी सी पनीर। नहीं आया भाई राकेश भाई की जय हो यार। राकेश भाई जो है ना, मेरे हिसाब से, मेरी नजर में जम्मू की शान है, जम्मू के हीरो है, जम्मू के अनिल कपूर है, मैं दिल खोल के रेकमेंड करता हूँ। राजमा में डिप करने के बाद ना कुलचा जो है एकदम सॉफ्ट, एकदम मक्खन, मलाई, रेशमी हो जाता है। इट्स लाइक अ ब्लैंकेट, इट डजंट फील लाइक फूड एनीमोर। ऐसा लगता है आपने अपनी जबान पे ना चद्दर बिछा दी है, इतना सॉफ्ट है ये। एंड राजमा का जो वो बीच बीच में बीनीपन आता है ना, बीनीपन समझ गए ना, मतलब नटीपन, और साथ में जो खटास है यार, जम्मू के लोगों को ना खटास का मामला इतना जबरदस्त समझ में आया। अगर आपने राकेश बाजी का कुलचा खाया है या राजमा चावल खाए हैं या छोले भटूरे खाए हैं तो कॉमेंट करके बताओ कैसा लगा। अगर आपने नहीं खाए तो भाई साहब कमेंट करके बताओ कब आओगे, कब खाओगे। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद रहें, साडी यारी तो जोंदा आजाद बसदा रहे, साडा पंजाब नाले साडा हिंदुस्तान, जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो बग्गर वाले राजमा चावल, ये देखो।